हे गाइस, सामने देख लो यहाँ पे खड़ी हमारे पास पूरी काले कलर की भाई स्कॉर्पियो। एक नंबर लुक आता है इस गाड़ी का। चाहे स्कॉर्पियो एन ले आओ, चाहे फिर मारुति जैन ले आओ, जो सी मर्जी गाड़ी ले आओ, सब इसके आगे चीनी कम लगती है भाई। तो शुरू करते हैं चलो इसके फ्रंट लुक से। हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें लो बीम के लिए रिएक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं, और हेलोजन आपको मिलता है हाई बीम के लिए। फॉग लाइट्स भी आपको यहाँ पे येलो कलर की मिलती हैं, DRL भी दिए गए हैं। इसमें से दो वेरियंट आते हैं S11 और S, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो पूरा ये जो बोनेट पे स्कूप है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आई कैचिंग लगता है। अलॉयज़ की बात करो 17 इंच के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और ये जो आपके ड्यूल टोन में रहने वाले हैं सिल्वर एंड ब्लैक कलर में। एस की बात करो तो एस में आपको पूरा बेस मिलेगा, और S11 सीधे टॉप मॉडल, ठीक है। स्कॉर्पियो यहाँ पे लिखा गया है, ORPM काफ़ी बड़ा है, और हाइट भाई बहुत ज़्यादा है। मेरी 5'11" है, और मेरे से भी बहुत ज़्यादा ऊँची लग रही है गाड़ी, मतलब काफ़ी ऊँची है भाई इसकी हाइट। और इसकी टेल लाइट्स की बात करो तो LED में आपको मिलने वाली है, और ये भाई इसकी सिग्नेचर है भाई, स्कॉर्पियो का सिग्नेचर है, सीधी सी बात है। ये जो सीधे लंबी ये बनाती है ना, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ब्लैक कलर में तो भाई अलग ही निखरती है गाड़ी, मज़ा आ जाता है इसको देख के। तो चलो एक बार मैं आपको इसकी अब और चीज़ें बताता हूँ पीछे। यहाँ पे आपको डिफोगर, वाइपर, वॉशर सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। सेफ्टी की बात हम नहीं करेंगे इस गाड़ी की, क्योंकि सबको पता है 0 star rated है गाड़ी। बट कोई नहीं यार, सेफ्टी कौन देखता है जब स्कॉर्पियो आपके हाथों में। तो चलो अब टेल गेट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको स्पीकर लगे हुए मिलेंगे दो, और यहाँ पर आप जो सीट्स देख रहे हो बेंच फोल्ड नहीं होंगी। बैठने को देखो बड़े भी बैठ सकते हैं, बट ये बच्चों के लिए सीट भाई बढ़िया रहेगी, मतलब छोटे रास्ते के लिए ठीक रहेगा, बट यार मतलब दुखी हो जाओगे पीछे बैठोगे तो। बाकी क्वालिटी यार देखो अच्छी लगती है यार इसकी, ऐसी नहीं है कि ख़राब है। कैमरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं इसमें। तो बाकी अब स्पेस चेक कर लेते हैं पिछली सीट पर कितना मिलता है, बट उससे पहले डोर देख लो। यहाँ पर ब्लैक पियानो फिनिश यूज़ की गई है, पावर विंडोज़ कंट्रोल मिल जाएंगे, और ये स्कॉर्पियो की आपको स्कफ प्लेट विद ब्लू इल्यूमिनेशन लाइट्स, ये एज एन एसेसरी आपको लगवानी पड़ेगी बाद में। बट चलो आपको मैं एक स्पेस दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर। ये देख लो भाई थाई स्पोर्ट काफ़ी तगड़ा है, और स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे भी दिया गया है विदाउट कप होल्डर्स, और ये रियर एसी वेंट्स, और मोबाइल होल्डर आपको दिया गया है। और जो आगे के लिए आर्मरेस्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा जाके, वो सीट के साथ ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड है वो सीट्स के साथ। और इंटीरियर देख लो भाई ड्यूल टोन में आपको मिलता है, और भाई बहुत ऊंचा फील होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा फील होता है बैठ के, इसमें अलग ही फीलिंग आ जाती है जब स्कॉर्पियो के अंदर बैठते हैं, मतलब कि अंदर का अलग रूप जाग जाता है भाई हमारा। रूफ लाइट्स यहाँ पे आपको येलो कलर की मिलने वाली है। यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये भाई गुंडे शुंडों के लिए भाई, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी नहीं है तो बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप खोलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया गया। यहाँ पे आप चेक कर लो पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ORPM से आपके बीच में मिलेंगे आपको। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब इतनी भी नहीं है कि भाई बहुत ख़तरनाक है। बाद में तो सबने बेस ट्यूब भी लगवानी है इसमें। स्टेयरिंग आपका स्टिच्ड है, और पूरा भाई जो बोनट दिखता है ना यार, इसी का तो मज़ा है। हैंडलिंग इतनी प्यारी होती है इस गाड़ी की, मतलब मज़ा आ जाता है यार। ये देखो इसका डैशबोर्ड कितना सीधा और स्ट्रेट, मतलब कि डैशबोर्ड है, बिल्कुल अलग ही फील आती है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, और यहाँ पे वुडन ट्रीटमेंट दिया गया, थोड़ा 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है ये। यहाँ पे बीच में 2 कप होल्डर, ये देखो जी इसके आर्म रेस्ट अलग अलग सीट्स के लिए, तो मतलब ड्राइवर को ड्राइवर को दोनों को बराबर का हक दिया गया है। यहाँ पे आप चेक कर लो ग्लव बॉक्स, आपको कूल नहीं मिलेगा। सन ग्लास होल्डर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, दिया है भाई इन्होंने। और यहाँ आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, उस तरफ दिया गया छोटा सा। क्रूज़ कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल्स, और लेदर आपका स्टिच्ड है भाई स्टेयरिंग, और ये नया लोगो तो काफ़ी ज़्यादा दमदार लगता है। एंड बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो सेम आपको जैसे पहले मिलता था डिट्टो, वही कलर मिलेगा, ब्लू कलर की थीम रहने वाली है, और वैसे ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बीच में छोटी सी MID मिलेगी आपको, जिसमें आपके मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी स्क्रीन पर आ जाएंगी, ठीक है। और स्क्रीन की बात करें तो आपको एंड्रॉयड की यहाँ पे 9 inches की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगी आपको। और सेफ्टी में आपको यहाँ पे 2 standard airbags मिल जाते हैं, और स्कॉर्पियो का नाम ही काफ़ी है सेफ्टी में, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिल जाएगा, और ये देख लो इसका टच रिस्पॉन्स आपको दिखाता हूँ स्क्रीन का, ब्लू टैबलेट जैसा लगेगा आपको। ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, टच रिस्पॉन्स मतलब ठीक ठाक है, इतना नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होने वाली है, बट ठीक है भाई गाड़ी के हिसाब से सही है, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एंड गाड़ी की प्राइस रखी गई है 15-15.5 lakh एक्स शोरूम, तो मतलब वो डिपेंड करती है भाई आपके स्टेट टू स्टेट, ठीक है, कि कितनी आपकी RC के मतलब लगेगी वैल्यू वगैरह जो भी। यहाँ पे आप ORPM में एडजस्ट कर सकते हो, फ्यूल टैंक खोल सकते हो यहाँ से आप अपना, और हेडलाइट लेवलर भी दिया गया है।
सो चलो इसको बंद करते हैं। यही था सब कुछ मोटा मोटा भाई S11 के अंदर। यहाँ पे आपको फेंडर में मिलते हैं इंडिकेटर्स, मतलब ORVM से आपको नहीं मिलने वाले। सो ये है भाई हमारी बब्बर शेयर। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।